अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना अलराजी बैंक का जो भी बैलेंस है अपने यूआरपी एप्लीकेशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसमें भेजना चाहते हैं, तो किस तरह से भेज सकते हैं, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है कि अलराजी बैंक की एप्लीकेशन से इंटरनेशनल कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, कोई भी बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो रही है। तो आप अगर अपने यूआरपी एप्लीकेशन से कोई भी बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो बड़ी आसानी से बेनिफिशियरी ऐड भी हो जाती है और पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अपने अलराजी बैंक में जो भी आपका बैलेंस है अपने यूआरपी एप्लीकेशन में किस तरह से ट्रांसफर करना है। उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि अपना बेनिफिशियरी किस तरह से ऐड करना है यूआरपी एप्लीकेशन में और इंटरनेशनल ट्रांसफर किस तरह से करना है, वो भी वीडियो आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अलराजी बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। तो जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है। एकदम ध्यान से आप वीडियो का देख लेंगे तो आपको अपनी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब नीचे यहाँ पे लॉगिन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड दोनों डाल चुका हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, एक ओटीपी आएगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से ओटीपी मांग रहा है। यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। अलाउ कर देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं राज्य बैंक एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफर, आपको इस पर क्लिक करना है ट्रांसफर के ऊपर। अब यहाँ से ऊपर पे यहाँ पे लिखा है अलराजी बैंक बेनिफिशियरी, यहाँ पे लिखा है लोकल बेनिफिशियरी और नीचे लिखा रहेगा आपको टू यूआर वॉलेट, यूआर पे वॉलेट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ऊपर साइड में ऐड बेनिफिशियरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट में लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, अगर अपना मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं यूआरपे में तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ आईबीएन, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप आईबीएन नंबर के थ्रू भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आईबीएन नंबर डाल के यहाँ पे निकनेम डाल के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि मोबाइल नंबर से किस तरह से पैसा भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर द मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जिससे अपना यूआरपी आपका एप्लीकेशन चालू है। तो वो नंबर किस तरह से निकालना है, जैसे आपको यहाँ से इसको मैं होल्ड कर देता हूँ डायरेक्ट और यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना यूआरपी एप्लीकेशन पहले से ओपन किया हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे जिससे नंबर चालू है यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा, यही नंबर को आपको वहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है अलराजी वाले में, यहाँ पे डाल देना नंबर। तो आप देख सकते इस तरह मैं नंबर यहाँ पे डाल चुका हूँ, यहाँ पे निक नेम लिखा हुआ, यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ये दोनों डाल, तो नाम लिखने के बाद आपको नीचे लिखा ना, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका जो नाम रहेगा यहाँ पे नाम भी दिख जाएगा, यहाँ पे निकनेम भी दिख जाएगा, आपका मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा जिसे आपका यूआरपे का एप्लीकेशन चालू है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अलराजी विल कॉल फॉलोइंग ये नंबर, ये नंबर पे आपको कॉल आने वाला है। जैसे कि अभी नंबर आएगा तो मैं यहाँ पे उसका भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू कर दे ताकि फोन आए तो पूरा रिकॉर्डिंग हो सके। बस आपको ध्यान से देखना है, जैसे ही कॉल आएगा तो बैंक कस्टमर यू हैव रिक्वेस्टेड टू एक्टिवेट अ बेनिफिशियरी, टू कंफर्म प्रेस 1, टू कैंसिल प्रेस 2। बेनिफिशियरी इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, थैंक यू, गुड बाय। तो आप देख सकते हैं अभी मुझे कॉल आया था कस्टमर की तरफ से, उन्होंने कहा कि अगर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है तो एक दबाएं। तो मैं बेनिफिशियरी दबाए एक दबा दिया हूँ। बेनिफिशियरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इमरान हैज बीन सक्सेसफुली एडेड योर टू योर बेनिफिशियरीज, इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है आपके नाम के ऊपर। अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर होगा अलराजी का वो इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अमाउंट पूछेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको कितना भेजना है, यहाँ पे 2 रियाल यहाँ पे भेजने वाला, तो मैं 2 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको नीचे लिखाना है, यहाँ पे लिखा हुआ परपोज, आपको इस पर क्लिक करना है। परपोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको किसी एक पे भी क्लिक कर देना है, मुश्किल नहीं है। जैसे आप फैमिली पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपका पर्सनल क्लिक करना है तो पर्सनल पे भी यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, पर्सनल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका अलराजी का अकाउंट नंबर दिख जाएगा, यहाँ पे यूआरपी का डिटेल दिख जाएगा, यहाँ पे आप कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं ये सब डिटेल आपको दिख जाएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का, यहाँ से एडिट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है।
अब आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे दोरियाल, यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है कंप्लीटेड, तुरंत पैसा ट्रांसफर तुरंत हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से ये यानी कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसफर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दोरियाल अभी बैलेंस दिखा रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार और अब मैसेज भी आने लगा है। आप देख सकते हैं बहुत सारा मैसेज आ रहा है, तो अभी ये मेरा बैलेंस कटा नहीं है, अभी बाद में कटेगा, अभी मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं चेक कर देता हूँ अपना यू आर पे एप्लीकेशन में पैसा आया कि नहीं आया है। तो यहाँ से मैं सीधा ऊपर से पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हेलो इमरान, यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसफर, यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, अमाउंट उमाउंट सब दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से अल्लाह जी का भी ट्रांसफर हो चुका है इस तरह से। तो चलिए मैं एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि बैलेंस आया कि नहीं आया है। चलिए यहाँ से इस तरह से होल्ड कर देंगे और यहाँ पे यू आर पे एप्लीकेशन मैं पहले से ओपन किया हूँ, यहाँ पे इस तरह से आ जाना है। अब यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 हलाला पहले से ही था, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो अभी भी आप रिवर्स करके देख सकते हैं यहाँ पे 48 हलाला ही है। यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ अगर बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत यहाँ पे बैलेंस आ भी जाएगा। तो फिलहाल अभी ये नहीं आया है, अभी आने वाला है, वो लोग कर रहे हैं या मतलब इनकमिंग है यानी आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस आ भी चुका है, आप देख सकते हैं 2,48,000 हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही कम समय में यानी 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपका पैसा तुरंत आपके यू आर पे एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्रांसफर कर लीजिए अपना बहुत ही आसानी से। कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बताऊंगा कि आप अपना यू आर पे एप्लीकेशन से इंटरनेशनल किसी भी बैंक में बेनिफिशियरी भी ऐड कर सकते हैं, पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले।